सो ओवरऑल आर वर्डिक्ट इज दैट ये इनटेक मत लेना, इसमें रिलेटिवली डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द एडवांटेजेस, एंड ट्राई टू फिट योरसेल्फ इन अदर इनटेक्स इफ पॉसिबल. If you are planning to study in Canada, then it is very important that you decide your intake first. तो basically intake का मतलब होता है कि आप किस admission cycle में admission ले रहे हैं. Every intake has got some advantages and of course some disadvantages, and choosing a proper intake can actually help you in more ways than you can imagine. Hi guys, welcome to another video from College Duniya Study Abroad. My name is Nidhi. And today I will help you decide which intake to choose for studying in Canada. But before we jump to the video, let us first understand ki Canada mein padhne ke liye kaun-kaun se intakes available hain. So basically, teen types ke major intakes hain Canada mein available padhai ke liye. One starts in September, jisko hum fall intake bhi bolte hain. One starts in January, which is also called as winter intake. And one in May, which is called summer intake. Let's have a detailed look at each one of them and understand their advantages and disadvantages on various parameters. First is course availability. Har intake mein aapko sare courses available nahi hote hain. For example, University of Toronto offers only non-degree and part-time courses in May intake, while McGill University, McMaster's University and University of Ottawa offer only short courses in May intake. कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो मे इनटेक एक्सेप्ट नहीं करती, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी. एज कंपेयर टू दिस, जनवरी इनटेक इज रिलेटिवली बेटर, वेयर मोस्ट बिग यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ऑफर एडमिशन. बट इफ यू लुक एट द सेप्टेम्बर इनटेक, ऑलमोस्ट ऑल कैनेडियन यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट एडमिशन एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर दिस इनटेक. So clearly, September intake is the best in this parameter kyunki isme you have more choice of the course. Since we have talked about most students opting for September intake, this brings us to our next parameter, which is competition. So naturally, competition is more in September and least in May. But ye ek trade-off hai, jahan aapko balance karna hai competition versus course availability. और वन ऑफ द मेन reasons फॉर हाई competition इन September इज बिकॉज ये इनटेक जस्ट बोर्ड एग्जाम्स के बाद होता है, सो मोर पीपल ऑप्ट फॉर इट. लेकिन ऐसा नहीं है कि मे इनटेक में competition कम है, सो लेट अस गो विद दैट. प्लीज ऐसा मत करना. डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस अबाउट द कोर्स यू वॉन्ट टू परस्यू एंड सेलेक्ट द इनटेक अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज वेदर. ये सुनने में उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट ट्रस्ट मी, वेदर इन कैनेडा इज ब्रूटल ड्यूरिंग विंटर्स. अगर आप इंडिया से सीधे कनाडा जा रहे हैं इन जनवरी, तो वहां की ठंड कैन बी वेरी पेनफुल. जनवरी में विंटर्स के टेम्परेचर -20, -30 डिग्रीज रहते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट फॉर न्यू पीपल देयर. जनवरी इनटेक में आपको जाते के साथ ही स्नो जैकेट्स एंड स्नो बूट्स भी लेने पड़ेंगे, विच ऑफकोर्स इज एन एडेड कॉस्ट. अब कंपेरिजन में अगर आप सेप्टेम्बर इनटेक में जाते हैं, तो आपके पास टाइम रहता है टू एडजस्ट टू द कैनेडियन वेदर. September में भी वेदर अच्छा रहता है एंड बाय द टाइम विंटर्स कम, यू हैव इनफ टाइम टू ग्रेजुअली एडजस्ट टू इट एंड ऑफ कोर्स इनफ सेविंग्स और अर्निंग्स टू बाय विंटर क्लोथ्स फॉर योरसेल्फ. सो इफ यू जस्ट कंसिडर वेदर, देन मे इज द बेस्ट इनटेक बिकॉज कैनेडा में मे का वेदर इज ऑलमोस्ट लाइक इंडिया. काफी लोग ये भी बोलते हैं कि फैकल्टीज आर बेटर इन सेप्टेम्बर इनटेक एज मोस्ट ऑफ द गुड फैकल्टीज टेक समर ऑफ, बट लेट मी टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं है. फैकल्टीज हर इनटेक में अच्छी होती हैं और कॉलेज कभी भी किसी खराब फैकल्टी को हायर करेगा ही नहीं. फैकल्टीज आर एनीवे ऑन अ रोटेशनल बेसिस, सो यू रियली कांट कंट्रोल के विच फैकल्टीज विल टीच यू. सो एज फार एज फैकल्टीज आर कंसर्न, ऑल इनटेक्स आर इक्वल एंड इट वुड बी रॉन्ग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. कॉलेज लाइफ इज समथिंग वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, राइट? एक अच्छी कॉलेज लाइफ हेल्प्स यू क्रिएट मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम. And this is where we have a major differentiation in the intakes. Since September or fall intake is the biggest intake, so you have a more vibrant life in the college. There are fests and activities all around the campus. There are people from different cultures to interact and of course to learn from. September intake is a clear winner here. Acha, January mein bhi there is a buzz in the campus, but it is not as good as September.
एंड इफ वी टॉक अबाउट मे इनटेक देन कॉलेज लाइफ थोड़ी सी बोरिंग रहती है मोस्टली बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स समर में ड्रॉप लेते हैं एंड दे ऑप्ट फॉर फुल टाइम वर्क ड्यूरिंग समर्स एंड एक्टिविटीज की भी अगर हम बात करें तो एक्टिविटीज ऑल्सो इन द कॉलेजेस आर लिटिल लेस इन मे सो इफ यू चूज मे इनटेक यू मे लूज आउट ऑन द इनिशियल कॉलेज वाइब्स अच्छा अब अगर हम अकोमोडेशन की बात करें देन मे इनटेक एंड सेप्टेम्बर इनटेक इज बेटर एज यू कैन इजिली फाइंड अकोमोडेशन थैंक्स टू द ग्रेट वेदर हाउएवर जनवरी इनटेक में अकोमोडेशन मिलने में थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि मूविंग आउट टू लुक फॉर अकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल इन द स्नो इफ यू टॉक अबाउट द फीस एंड स्कॉलरशिप्स देर इज हार्डली एनी डिफरेंस वेल देर आर सम माइनर फ्लक्चुएशंस बट दे आर टू स्मॉल टू कंसिडर सो इन दिस पैरामीटर ऑल्सो ऑल इनटेक्स आर काइंड ऑफ सेम एंड यू कैन कंसिडर एनी वन ऑफ देम नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर योर अर्निंग पोटेंशियल Intakes have a major impact and aap kaun si intake choose karte hain can actually help you save up to $12,000 to $15,000 which is around 7 to 9 lakh rupees aur ye bahut badi amount hai for students living abroad isko hum do parts mein dekhte hain one is the part time earning potential where you are limited to work just 20 hours per week so people getting in January intake are at a disadvantage here बिकॉज विंटर्स में पार्ट टाइम जॉब्स थोड़ी कम रहती हैं ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल ही नहीं रहती बट कंपेयर टू फॉल एंड समर्स ठंड में ऑफिसेस, पार्क्स रेस्टोरेंट्स मोस्टली बंद रहते हैं तो जॉब्स भी थोड़ी कम होती हैं फॉर पार्ट टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट इज समर क्योंकि उस टाइम सारी शॉप्स मॉल्स डिपार्टमेंट स्टोर्स ओपन रहते हैं सेम इज ट्रू फॉर फॉल लेकिन एज आई मेंशनड अर्लियर These part-time jobs have a limitation of 20 hours per week. So even if you get in intakes other than May, to bahut badi amount ka difference nahi rehta hai. The real game changer here is the full-time job in semester drops, where you don't have any limit on working hours, and ye wo aspect hai jo earning mein considerable difference la sakta hai. September intake mein 4 months ka break hota hai. एंड ये ब्रेक तब होता है जब कैनेडा के मार्केट्स ओपन रहते हैं इन समर्स द एम्प्लॉयर्स हायर मोर इन समर्स टू प्रिपेयर फॉर फॉल लेट्स अज्यूम यू वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे फॉर 6 डेज अ वीक दिस मेक्स इट 60 आवर्स अ वीक एंड 240 आवर्स इन अ मंथ तो अगर हम ऑन एन एवरेज पर आवर अर्निंग $15 मानकर चले देन इन अ मंथ ऑफ समर यू कैन मेक अप टू $3,600 विच इज रफली $15,000 इन 4 months of summer breaks. I'm again saying कि ये सिर्फ तभी applicable है जब आप summers में free रहें, which is when you take admission in fall. The problem now with May intake is, एक तो May intake में scheduled breaks कम होते हैं, and अगर होते भी हैं, तो ये breaks आपको दो semester के बाद, यानि के January में मिलेगी, when everything will be closed, and you will not have enough opportunities to work full time and earn. For people coming in January intake, the scheduled break is in September. Is time bhi markets are decent, but not as great as summers. And moreover, it is a 2-month break and not a 4-month break. So, 2 mahine ka direct earning loss ho raha hai January intake mein. So, from earning potential point of view, the fall intake in September should be the first target, as it will help you earn a lot more than others. And we all know, How important is earning a few extra $1,000 to help you finance your education yourself? So if we try to summarize the information above, here is what I have to say. Try September intake, if not, try for January intake. And as far as May intake is considered, ye intake mat lena. Isme relatively disadvantages zyada hai as compared to the advantages. And try to fit yourself in other intakes if possible. But iska ye matlab nahi hai ki May intake bilkul hi bekar hai. All I'm saying is ki if possible, avoid May intake. Lastly, it is always advisable to do your own research and look for courses of your choice, chahe wo kisi bhi intake mein offer ho rahe ho. So guys, that's all for today's video. I hope you liked this information and I hope it will help you make a better choice of intakes. Check out the link in the description box to get awesome content on study abroad. Do let us know in the comments below on what you would like us to cover next and don't forget to hit the like and subscribe button below. We will meet again in our next informative video on studying abroad. Till then, take care, have fun and work hard.